हेलो दोस्तों, मैं विनोद जाखड़ा आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जाखड़े एग्रो इन्फॉर्मेशन में, जहां मिलती है आपको खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। भाइयों, आज का जो वीडियो है ये है मेसी 1035 DI पर, और ये ट्रैक्टर किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। किसानों के बीच इतना लोकप्रिय है ट्रैक्टर ये कि किसान इसे आँख बंद करके भी खरीद लेते हैं। मेसी कंपनी में अगर टॉप 3 मॉडलों में हम बात करें ट्रैक्टर में, तो मेसी 1035 DI का नाम आता है टॉप 3 ट्रैक्टर में। और इस ट्रैक्टर की कुछ खास बातें हैं जो किसानों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इसे लोकप्रिय किसानों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण यही है। एक तो इसका डीजल एवरेज बहुत ही बढ़िया है, दूसरा इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। ये 1993 मॉडल है और आज 28 साल हो गए इसको चलते हुए, और आज भी अपना कार्य बखूबी तरीके से परफेक्ट तरीके से करता है। एक बार इसका इंजन हो चुका है और एक बार इसका लिफ्ट का काम हुआ है अभी तक, और लगभग 10 साल और ये ट्रैक्टर चल सकता है। मान के लीजिए 40 साल इस ट्रैक्टर को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलता है ये ट्रैक्टर। और मेसी ट्रैक्टर आपने पुराने बहुत देखे होंगे, मेसी की यही मुख्य बात है कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होता, इसके पार्ट्स जल्दी से ख़राब नहीं होते। ऐसे नहीं होता भी अब ये कोई काम का ही नहीं रहा है, मतलब कोई पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो अगर हम उसका काम करवाते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम होता है, और बाद में उसमें कोई मतलब ख़राबी नहीं आती है। एक बार काम हो गया तो उसमें बार बार ऐसे नहीं है कि भाई ये ख़राब सही नहीं हो रहा है। और अभी ये जो ट्रैक्टर चल रहा है ये है 9 फाड़ी के कल्टीवेटरों पर, नौ फाड़ी के नहीं है भाइयों, ये है 10 फाड़ी का कल्टीवेटर। आगे के 5 और पीछे के भी 5 है, मतलब तो साइड के जो कल्टीवेटर थे फाड़ी थे वो खोल रखे हैं किसान भाई ने, एक फाड़ा खोल रखा है। 11 कल्टीवेटर हैं, इसको 10 बना रखा है। 13-6-28 के पीछे के टायर हैं और 6-16 के आगे के। मैंने इस ट्रैक्टर का वीडियो डाला था, इसका रिव्यू किया था, और एक कल्टीवेटर पर भी वीडियो डाला था, 2-3 वीडियो इसके डाल चुका हूं मैं। और कई किसान भाइयों के फ़ोन कॉल आए थे मेरे पास कि ये ट्रैक्टर बिकाऊ है क्या, उनको बता देना चाहता हूं कि ये ट्रैक्टर बिकाऊ नहीं है। किसान इतने खुश हैं इससे कि इसे बेचना ही नहीं चाहते हैं। और मेसी की रीसेल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, अगर भाइयों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पर ट्रैक्टर और खेती किसानी से संबंधित वीडियोज़ आते रहते हैं, डेली के 1 वीडियो 2 वीडियोज़ आते रहते हैं, ट्रैक्टर के जो सामने के पायदान है मतलब जो इसका एक्सीलेटर है वो सामने देख सकते हैं आप, सामने का जो पायदान है, जो बड़े ट्रैक्टर लेके आते हैं किसान अन्य कंपनी के, स्वराज के, हॉलैंड के या फार्म के, तो ये पायदान ऑप्शनली लगवाते हैं, अलग से लगवाते हैं ताकि
जब हम लंबी जुताई करते हैं, बड़ा खेत है, 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, तो अपने पैरों को आराम देने के लिए ये पायदान किसान लगवाते हैं अपने शौक से। ये पायदान खरीदने से लेकर लगवाने तक लगभग 400 से 500 रुपए कॉस्ट आती है, और ये पायदान आप कंपनी से भी ले सकते हैं और बाहर से भी, दुकान से भी ले सकते हैं आप। मैसी ट्रैक्टर राजस्थान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और 10-35, 241 से भी ज़्यादा बिकता है ट्रैक्टर। पहले के हाई में ये ट्रैक्टर चल रहा है और आराम से चाल है, कल्टीवेटर जितने लगाने चाहिए उतने लग रहे हैं, जितनी गहराई चाहिए उतनी गहराई है कल्टीवेटरों की। दूसरे गियर में ट्रैक्टर चल रहा है अभी, देखिए थोड़ा धुआं दिखा रहा है, लेकिन दूसरे गियर में 10 कल्टीवेटर 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर का खींचना एक बड़ी बात है, लेकिन आराम से थोड़ा दब के चल रहा है ट्रैक्टर, लेकिन खींच रहा है, चल रहा है दूसरे गियर में, ये बड़ी बात है। ये देखिए आराम से, इसी ट्रैक्टर के दो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, उन्हें भी देखिएगा आप। इस ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस बहुत कम है, मतलब मुड़ने में बहुत ही कम जगह लेता है, ये छोटा ट्रैक्टर है। और एकदम जम के चल रहा है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।